गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था क्लास फोर्थ का इंग्लिश का चैप्टर लद्दाख। तो आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जैसे मैंने लिखा है नेम द माउंटेन रेंज ऑफ लद्दाख। आपको बताने हैं वहाँ पे कौन कौन सी माउंटेन, कौन कौन से पहाड़ वहाँ पे होते हैं। देयर आर फोर माउंटेन रेंज ऑफ लद्दाख। नंबर फर्स्ट द ग्रेट हिमालयन, सेकंड जंस्कार, थर्ड लद्दाख एंड फोर्थ वन इज कैराकोरम। ठीक है, चार लिखने हैं, फोर माउंटेन रेंज, द ग्रेट हिमालयन, जंस्कार, लद्दाख, कैराकोरम। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड एंड हाउ लॉन्ग इज़ इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दुनिया का सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है, जो बर्फ का टुकड़ा है, उसको क्या कहते हैं और उसकी लंबाई कितनी है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर इज सेचिन ग्लेशियर। दिस ग्लेशियर इज 72 किलोमीटर लॉन्ग। दिस ग्लेशियर इज सेचिन 72 किलोमीटर लॉन्ग। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज पास, व्हाई इज लद्दाख कॉल्ड लैंड ऑफ पासिस। कहते हैं पास किसको कहते हैं और लद्दाख को लैंड ऑफ पासिस क्यों कहा जाता है। ए पास इज ए नैरो रोड बिटवीन द माउंटेन्स, ठीक है ना, जो पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, पास। तो बताओ जी, लद्दाख को लैंड ऑफ पासिस क्यों कहा जाता है। लद्दाख इज कॉल्ड द लैंड ऑफ पासिस एज वन कैन फाइंड मैनी रोड्स बिटवीन द माउंटेन्स हेयर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रोड्स वहाँ पहाड़ों के बीच में हैं। विच इज द हाइस्ट माउंटेन इन लद्दाख। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द हाइस्ट माउंटेन इन लद्दाख इज सेसर माउंटेन, SASER। कौन सा सबसे बड़ा माउंटेन है, सेसर माउंटेन, ठीक है। नेम सम मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख। सम मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख आर, नंबर वन इज हेमस मोनेस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नंबर वन इज हेमस मोनेस्ट्री, अल्ची गुम्पा, बर्दन मोनेस्ट्री। तीन बतानी आपने, हेमस मोनेस्ट्री, अल्ची गुम्पा, बर्दन मोनेस्ट्री। फिर है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ इज़ गुरगुर टी मेड। जो गुरगुर आप जो खास चाय है किसकी, लद्दाख की, वो हम कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं बताया है। याक बटर इज़ एडेड टू बॉइलिंग वाटर। आप वो क्या करते हैं, याक बटर डालते हैं बॉइलिंग वाटर के अंदर विद साल्ट, थोड़ा नमक, सोडा, दूध और वहाँ के टी लीव जिसको बोलते हैं काल जरचा, इस तरह वो बनाते हैं गुरगुर टी। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमने इसका कुछ ग्रामर पोर्शन करना है। व्हाट सिंगल वर्ड इज़ यूज्ड इन द लेसन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ना। एक सिंगल वर्ड हमने यूज़ करना है लेसन में फॉर द फॉलोइंग। ए लो लैंड, नंबर फर्स्ट ये क्वेश्चन है, ए लो लैंड सराउंडेड बाय हिल्स और माउंटेन्स। एक लो लैंड, ठीक है ना, जिस जो ए लैंड, एक ज़मीन जो किससे सराउंडेड है, जो घेरी होती है हिल से या माउंटेन्स, उसको बोलेंगे हम वैली। एक वर्ड लिखना है हमें, वैली, क्या बोलेंगे, VALLEY, वैली। देन कम सेकंड, दूसरा, ए पर्सन हु डज नॉट मैरी एंड लिव्स इन मोनेस्ट्री। वो बंदा जो शादी नहीं करता और मोनेस्ट्री के अंदर रहता है, उसको क्या बोलेंगे, लद्दाख में होता है मॉन्क, क्या बोलेंगे, मॉन्क। अच्छा, समथिंग दैट इज़ वेरी गुड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी चीज़, कोई खासियत किसी जगह की क्या होती है, हम बोलेंगे इस जगह की ये खासियत है, उस जगह की ये खासियत है, जिस जगह पे एक स्पेशलिटी होती है उसको बोलेंगे स्पेशलिटी, क्या बोल देंगे, स्पेशलिटी। ए पाथ बिटवीन, अगला वाला, ए पाथ बिटवीन द, बिटवीन और ओवर द माउंटेंस, है ना, या बिटवीन बीच या ऊपर माउंटेंस के, उसको बोलेंगे पास, क्या बोलेंगे, पास। ए मिक्सचर ऑफ